नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उन्हें हमें अब बारिशों के लिए, मॉनसून सीज़न के लिए कैसे रेडी करना है ताकि वो मॉनसून सीज़न में भी अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, चाहे वो विंका हो, चाहे मोगरा हो, या हाइबिस्कस हो, या रोज़ेस हो, सभी के लिए हमें क्या करना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मैं विंकाज में कुछ चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सीड पॉट बन रहे हैं उन्हें चेक कर रही हूँ कि कोई सीड पॉट पक कर रेडी हो गया है तो मैं उसे निकाल लूँ। क्योंकि जब सीड पॉट बनता है तो पता ही नहीं चलता है, इसमें इतने, ये जो हाइब्रिड विंका है इसमें बहुत ही छोटे छोटे सीड पॉट बनते हैं जो फ्लावर्स के नीचे दबे हुए होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। तो आप अभी इनमें सीड पॉट बन रहे हैं अगर आपके विंका में भी, तो उन्हें कलेक्ट कर लीजिए ताकि आप इसे जुलाई और अगस्त में अगर आप ग्रो करेंगे तो आफ्टर 3 मंथ ये प्लांट आपको फिर से आपके गार्डन में रेडी मिल जाएगा और पूरे विंटर और पूरे समर में और पूरे सीज़न आप इससे बहुत सारे प्लांट्स ले सकते हैं। तो आपको बारिशों में भी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी फर्टिलाइज़र है आप उसमें अभी डाल दीजिए। अगर आप बारिश में फ्लावर लेना चाहते हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालकर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र डालिए। सॉलिड फर्टिलाइज़र का मतलब है आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, जो भी है किचन कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो अपने फ्लावरिंग प्लांट के हिसाब से ले लीजिए। और उसमें आप या तो बनाना पील फर्टिलाइज़र जो भी आप ड्राई करके बनाते हैं या आप डायरेक्ट कट करके डालते हैं वो उसमें मिक्स कर लीजिए, या आप लिक्विड बनाते हैं तो वो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में डलता है तो आप उसे डाल सकते हैं। लेकिन जो कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अभी बारिशों में न डालें, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली होती है और आप उसमें और पानी डाल देंगे तो फ्लावर्स की लीव्स जो है वो येलो होने लग जाएगी। ये देखिए हाइबिस्कस के, मेरे इस हाइबिस्कस की भी लीव्स येलो हो रही है, ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से होती है। और जब नाइट्रोजन हम इसे दे देंगे तो काउडंग जो कंपोस्ट होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है या जो भी कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो आप कंपोस्ट जो ड्राई वाला होता है आप इसमें वो डालिए, और आप इसमें एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। और मैं तो, मेरे पास से मैं स्टार्टिंग में, मैंने गार्डनिंग करना स्टार्ट किया था तब मैं कुछ DAP भी लेके आई थी, तब इतना नॉलेज नहीं था तो मैं DAP भी लेकर आई थी, तो DAP भी मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं चार पांच दाने DAP के डालती रहती हूँ। तो हाइबिस्कस में तो कंटिन्यू मुझे रोज़ फ्लावरिंग मिलती है, मंथ में एक बार मैं DAP अप्लाई कर देती हूँ, सिर्फ 6 दाने डालती हूँ एक पॉट में, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो हाइबिस्कस हो, रोज़ हो, बोगनवेलिया हो, अडेनियम हो, कोई सा भी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होता है, चांदनी हो, मोगरा हो। देखिए मेरे मोगरा में भी काफ़ी समय से एक बार 4-5 फूल आए और फिर आए नहीं थे, तो मैंने इसमें DAP अप्लाई किया और काउडंग का लिक्विड कंपोस्ट अप्लाई किया, उससे खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए आप, खूब फूल ही फूल, मतलब कलियाँ ही कलियाँ बन रही है। तो अगर आप भी अपने मोगरा पे या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पे आप ये लेना चाहते हैं तो या तो बनाना पील फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए, या आप जो लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं उसके साथ आप DAP का यूज़ कीजिए। देखिए लिक्विड कंपोस्ट से ये कुछ लीव्स जो होती हैं वो येलो सी हो जाती है बारिश के मौसम में, तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बारिशों में ना दें, क्योंकि इसकी वजह से आपके पत्ते येलो हो सकते हैं और खाद की अधिक मात्रा से भी नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आज के वीडियो में कि आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बारिशों में नहीं देना है, आपको सिर्फ जो हार्ड फर्टिलाइज़र होता है, हार्ड मीन्स जो ड्राई फर्टिलाइज़र होता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जिसे बोलते हैं, आप वही दीजिए अपने पौधों में। और एप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, पौधों की पत्तियों को हरा बनाए रखता है। और अगर आपके पास DAP रखा है तो ठीक है, वरना आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पौधे पर ढेरों फूल लेकर के आएगा। तो मेरे गार्डन में ढेरों फूल आने का यही राज है कि मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र भी देती हूँ और मैं DAP का यूज़ भी करती हूँ अपने प्लांट्स में, मंथ में एक बार DAP,
क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए उसे कम यूज़ करती हूँ। तो आज आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।